हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट नेट सेल्स क्लासेस। मैं इस वीडियो में बी एच यू रेट एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड से 2021 रिजल्ट के डिस्कस करूंगा। 2022 एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक होने वाला। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू चेक योर रिजल्ट फॉर रेट रेट एग्जामिनेशन बोर्ड। ये आपके होने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं। सेकेंड के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं बट बेटिंग शो हो रही है, व्हाट विल वी डू। ये सेकेंड क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट फ्रॉम ने जो नेक्स्ट फॉर्म लास्ट डेट 2020 फॉर रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड आए हैं, उनके बारे में डिटेल बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रेट और रेट एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए, ठीक है, रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए, और रिसर्च प्रपोजल की नीड हो कि नहीं होगी, एपीआई इंडेक्स क्या होती है, इंटरव्यू के प्रोसेस क्या होते हैं, वन बाई वन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कैसे आप हाउ टू चेक योर रिजल्ट करोगे, मैं उनके रिगार्डिंग मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले BHU online.in साइट पर आओगे। आने के बाद देखिए, जो रेट एग्जेम्प्टेड के लिए हैं वो इनके लिए यहाँ काउंसलिंग पोर्टल, मैंने बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, काउंसलिंग पोर्टल पर आएगा। जिनको मेल ईमेल आईडी नहीं रिसीव हुई है उनके लिए, जस्ट यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में आओगे और यहाँ पर आने के बाद नीचे रेट एग्जेम्प्टेड 2021 स्टूडेंट लॉगिन करोगे, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक साइन इन का पोर्टल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर साइन इन का भी प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मेरा ईमेल आईडी चेक है बट फॉरगेट पासवर्ड नहीं हो रहे हैं। बट देखिए, ये रेट एग्जेम्प्टेड के लिए है, तो यहाँ ईमेल आईडी आपको रेट एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड ही आपको मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो देखिए रेट के लिए है वो कॉल लेटर के लिए, तो रेट के लिए अलग प्रोसेस है, कहाँ से जाओगे, मैं वहाँ से कॉल लेटर आपको डाउनलोड होंगे। ये रेट एग्जेम्प्टेड के लिए है, यहाँ पर देखिए कोर्स एलोकेशन में आओगे तो आपको जो भी एडमिट कार्ड फाइनल ये सब, देखिए यहाँ जो रिजल्ट पब्लिश होगा आपको यहाँ पर सिर्फ आईडी शो हो रहे हैं, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है बट रिजल्ट नहीं हुई है। सेकंड चीज़ के शो हो रहे हैं और बेटिंग हो रहे हैं, तो आप बेटिंग में उसका सलूशन बताने वाला हूँ क्या करोगे आप, और जिनका रिजल्ट हो गया वो इस तरह दिखेंगे, पेमेंट ऑप्शन सब दिखेंगे, मतलब यू आर सेलेक्टेड फॉर द PhD एडमिशन, ठीक है। तो ये थे ये रेट एग्जेम्प्टेड के लिए। आप देखते हैं कि रेट के लिए क्या है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पे सर आंसर शीट मैच नहीं किया, मेरा नंबर नहीं है। अब वो नहीं देखेंगे क्योंकि उनके पोर्टल बंद हो चुके हैं। आप यहाँ पर आओगे, देखिए रेट एग्जाम रेट मेन या 2020, देखिए प्रोजल आंसर की रेट के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ आना चाहिए, ये 2020 के लिए आपके हैं, यहाँ आपको नहीं जाना है। यहाँ नेक्स्ट अभी जो अप्लाई करने के लिए मैं उनसे रेट बताऊँगा, तो यहाँ पर आकर आप रेट मेन में आइएगा 2021 में। तो यहाँ आने के बाद जस्ट देखिए मेरा ये एप्लीकेशन लॉगिन आ जाएगा, आप लॉगिन करके यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट का जो भी आपको डिटेल हो गए वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर कि हाउ टू चेक योर रिजल्ट फॉर रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड बोथ, ठीक है। जिनका ईमेल आईडी सही नहीं है तो वो अच्छे से रेट वाले में डालें और फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट डिक्लेयर हो गया बट इट्स शो बेटिंग व्हाट विल वी डू। तो मैंने जो रेट एग्जेम्प्टेड के दिखाया, यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद बेटिंग दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपके सीट बहुत कम होते हैं और आप बेटिंग के मतलब चांसेस कब होते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ वो एडमिशन नहीं लेते हैं या कैंसिल होते हैं। तो दो कंडीशन बनती है कि जो अगर कैंसिल करवाते हो वो बहुत दिन बाद कराते हैं, एक महीना टाइम देते हैं सेंटर और सिटी, उसके बाद कैंसिल होते हैं तो किसी को कॉल जाता है। सेकेंड की कोई एडमिशन कैंसिल करवाना नहीं चाहते हैं, तो मे भी अगर किसी का होता है तो बहुत कम लोग कैंसिल करवाते हैं। तो बहुत कम लोग कैंसिल करवाने के कारण जो टॉपमेस्ट वेटिंग लिस्ट है उनके चांसेस बनते हैं। बट यहाँ पर बेचियों का जो लिस्ट निकलता है लगभग बहुत से बच्चों को बेटिंग दे देते हैं। तो बेटिंग इन द सेंस देखिए, आपको जो भी नेक्स्ट फॉर्म का डेट 2020 आया है रेट एग्जेम्प्टेड का, इसमें आपको 31 मई लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप क्या करना, 26-27 तक लास्ट आप वेट कर सकते हो जिनका बेटिंग है, या कॉन्टेक्ट कर सकते हो डिपार्टमेंट। नहीं ऑप्शन आए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट फॉर्म लास्ट डेट है उनको आप फिल कर दो, ठीक है। अभी अप्लाई कहाँ से करोगे, तो जहाँ पर आप यहाँ पर आ रहे हैं क्लिक कर, यहाँ अप्लाई फॉर रेट 2020 पर क्लिक करोगे। देखिए एप्लीकेशन फॉर रेट मेन में ये रेट के लिए है, तो क्लिक करके आप रेट पर जाओगे। इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, ये एग्जेम्प्टेड के लिए PhD के लिए। तो आप यहाँ पर साइन इन करोगे, न्यू यूजर करोगे, रजिस्टर योर सेल्फ करने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्म को फिल करोगे। ये अप्लाई करने का वो है तरीके हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मतलब कि ये फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। मेन साइट पर आने के बाद ही होते हैं BHU online.in पर, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंक कर दूंगा। देखिए ये क्या है,
कि आपने लास्ट डेट है आप कैसे अप्लाई करोगे वो बता दिया, ठीक है। तो जब तक वेटिंग आप 26 तक देख लीजिए, नहीं आते तो आप क्या करोगे इसके फॉर्म फिल कर दोगे। आप देखिए रेट एग्जेम्प्टेड उनके लिए जो नेट है, नेट जा रहे पे, गेट क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है अगर यूपी वाले तो वो आ सकते हैं रेट एग्जेम्प्टेड में। बट रेट है जिनके पास नेट उट नहीं है वो भी कर सकते हैं, बट रेट में रेट एग्जेम्प्टेड वाले भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। वो मतलब नेट से एग्ज़ाम देकर भी जा सकते, तो वहाँ भी एक ऑप्शन है कि आप रेट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं है तो रेट के थ्रू आप इंटरव्यू देकर सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है फॉर रेट एंड रेट एग्जामेड, तो इसमें क्या देखिएगा फॉर रेट के लिए क्या होते हैं ना, रेट के लिए आपको क्या करेंगे, ए पी आई इंडेक्स यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये इससे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ए पी आई इंडेक्स का एक फार्मूला दिया गया है, इसके फार्मूले होते हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको देखने को मिलेगा एक्स प्लस, तो एक्स प्लस क्या पी जी के परसेंटेज मार्क्स, पी जी परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.6 इंटू करिएगा यू जी का परसेंटेज मार्क्स, इसके बाद फिन प्लस कीजिएगा तो 0.25 कर दीजिएगा इंटरमीडिएट का, मतलब इंटर मार्क्स, और फिन प्लस कर दीजिएगा 0.15 इंटू मैट्रिक लेवल पास, या मैट्रिक या टेंथ लेवल का पास का आप कर दोगे और पूरा को करने के बाद बाई टू कर दोगे तो ये आपका ए पी आई इंडेक्स निकल जाता है। ए पी आई इंडेक्स आपको वैरी करेगा रेट में, ठीक है। ए पी आई इंडेक्स आपको कहाँ करेगा वैरी, नेट में करेगा वैरी, और यहाँ पर ए पी आई इंडेक्स में मैं कर देता हूँ एक सेकेंड, एक कॉल आए तो साइलेंट कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर ए पी आई इंडेक्स आपको वो आ जाएंगे प्लस, इसमें रेट में क्या आ जाएंगे आपको इंट्रेंस स्कोर आ जाएंगे, और इंट्रेंस स्कोर आने के बाद प्लस क्या करते हैं इनमें से आपको इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से आ जाएंगे। तो ये होते हैं रेट के लिए। रेट एग्जेम्प्टेड के लिए क्या होते हैं, रेट एग्जेम्प्टेड के लिए ये ए पी आई इंडेक्स यहाँ वैरी करते हैं प्लस इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है, परफॉर्मेंस कर दीजिए क्या, हाँ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये इस तरह का सिलेक्शन आता है जो टॉप ऑफ ऑर्डर में आते हैं उनको लिया जाता है। देखिए नो नीड टू प्रपोजल, ये देखिए इस बार से रूल है कि पहले क्या करते थे कि इंटरव्यू में रिटर्न दे दिया जाता है कि आप रिसर्च प्रपोजल लिखिए, ऐसा बीचू नहीं करवाते हैं। आपसे पूछेंगे कि बेसिक इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, सपोज डेट मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो बोलूँगा कंप्यूटर नेटवर्क, उसके अंदर मैं बोलूँगा तो आप बोलिएगा कि उसके उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं भी एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम दे दे, मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दे, ये सब मैं एक बीचू इंटरव्यू रिलेटेड से वीडियो बनाऊँ वहाँ देख सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल की नहीं बट बेसिक इंटरेस्ट ऑफ एरिया याद रखिएगा, उनके बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आना चाहिए। इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है जो मैंने बता दिया कि जस्ट आपका जो रेट का एग्जाम होगा तो एंट्रेंस देने के बाद कॉल लेटर आती है आपको इंटरव्यू के लिए, और रेट एग्जेम्प्टेड के लिए क्या होते हैं कि उनके डायरेक्ट कॉल आते हैं। तो पहले फर्स्ट बार क्या होते हैं कि रेट एग्जेम्प्टेड को प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं फिर रेट को देते हैं। देखिए रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर किसी का रेट एग्जेम्प्टेड का रिजल्ट आ गया बट किसी डिपार्टमेंट का नहीं आया है, तो हर एक डिपार्टमेंट में पूछता हूं तो वही बोलते हैं 7 to 8 वीक में आ जाएंगे। आप चेक कैसे करोगे, तो आप पोर्टल पर जाकर, यहां पर मैंने बता दिया हूं कि पोर्टल पर आने के बाद चेक कीजिएगा। इस तरह अगर आपको डिक्लेयर शो होते कुछ नहीं दिखते मतलब रिजल्ट शो नहीं हुआ रेट एग्जेम्प्टेड का, कुछ दिन में आ जाएंगे, वेट कीजिए। अगर आईडी शो होते हैं और उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि वेटिंग है या मतलब आ गए हैं आपके एडमिशन, या सिर्फ आईडी शो हो रहे हो तो नहीं हुआ, इस तरह का आप अपने आप को समझ सकते हो। तो ये थे रेट के लिए क्या बात है, सिलेक्शन के लिए रेट में आप क्या करोगे ना, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो देखिए सही से लॉगिन कीजिएगा नीचे आकर रेट में 2021 में, यहाँ पर जाकर कीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा ईमेल आईडी का साइन इन करके देख सकते हैं, अगर एरर दे रहे हैं मतलब अभी नहीं है कॉल लेटर, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होने वाला है कि थ्रू दी रेट आपका कॉल लेटर आए, एपीआई इंडेक्स आपको वो सेम होते हैं दोनों के लिए। इनमें क्या होते हैं ना, रेट में आपको स्कोर देखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर होते हैं वहाँ मैटर रखते हैं, और आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस मैटर रखता है, और एग्जेम्प्टेड में आपको सिर्फ क्या करते हैं एपीआई इंडेक्स और स्कोर पर डिपेंड करता है। और ये इंपॉर्टेंट, आपका इंटरव्यू भी अच्छा होना चाहिए, और मतलब कि आपका एपीआई इंडेक्स भी स्कोर अच्छा होना चाहिए। कोई भी प्रपोजल की नीड नहीं है, सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप याद रखिएगा एक, और उससे एक या दो यूनिट को कंप्लीट करके आप उनके अच्छे से कमांड करके आइए। क्वेश्चन बेसिक टू एवरेज ही मान लीजिए, ज़्यादा होता नहीं है,
लेवल का ही होता है मतलब, और 10 to 15 मिनट मैक्सिमम इंटरव्यू चलती है टाइम, 10 to 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, और प्लस मैक्सिमम 8 to 10, और अगर अच्छे परफॉर्मेंसेस है तो 12 क्वेश्चन किए जाते हैं, उसमें से टेल मी अबाउट योर सेल्फ होता है और बाकी का एरिया को आप इंटरेस्ट सब्जेक्ट से होता है, इस तरह क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस तरह की पूरी परफॉर्मेंस मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व डाउट करने की कोशिश करूँ इस वीडियो में। मैं अभी बीच डिपार्टमेंट में हूँ बट थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है तो फ्रेश नहीं हो पाया, इसलिए मैं सोचा था आज वीडियो लाइव बनाने के लिए, बट मैं ये नोटपैड पर बना दिया हूँ कि आप लोग को अच्छे से सो हैं, और पूरे वीडियो देखने के बाद कुछ भी क्वेश्चन डाउट बच रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप दे दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक दो लोगों का प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट जाके आंस कर लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, सपोर्ट मेल में सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू गाइज।